इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं बड़ी जबरदस्ती मेहमान और उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन पहले फहीम बता दें कि घर में मुकम्मल अगर चाको चौबंद आपने रहना है तो वो कैसे रहा जाए। ये वो सवाल है जो सबके पास है मगर इसका जवाब किसी किसी के पास होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए घर पर हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने रूटीन को मेंटेन करना चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है और इस पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेनर रेजा इब्राहिम ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, हमने सुना है भाई आपने बड़े बड़े लोगों को जो है वो छोटा छोटा कर दिया मतलब अक्सर जो है वो कहते हैं कि जी हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यहाँ तो कामयाब लड़कियों के पीछे भी जो है वो एक खातून ही है और आप ही मौजूद है माशाल्लाह से, बहुत ही जबरदस्त है आजकल आपकी फिटनेस चल रही है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हर कोई जिम नहीं आ सकता है रेजा, और घर पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं सब लोग और चाहते हैं कि फिट नजर आए, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू करें, तो मैं चाहूंगा कि कुछ टिप्स ऐसी शुरू करें कि लोग घर पे जो है वो इजीली उस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकें और अच्छा खासा असर उन पर पड़ सके। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लाइक हम उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जैसे मेरे पास जो है वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये वाले क्लाइंट भी हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ऐसी बात है उनको भी फिटनेस चाहिए, तो हम उनको फिर ये रिकमेंड करते हैं कि आप घर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लें हमारे, नहीं तो फिर हमने ऐसी वीडियोस बनाई हुई हैं पूरी अकॉर्डिंग टू द बॉडी जिसे हम कहते हैं वर्चुअल क्लासेस, तो वो हमसे वो फिर ले सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं वेट लॉस। अच्छा, डाइट प्लान बनवाया, डाइट प्लान जो है वो 80% जो है वो आपका डाइट प्लान है, 80% डाइट जी, बिल्कुल ठीक है। और प्रॉब्लम ये है लेकिन सारे सिस्टम में ना कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि वो भद्दा हो जाए या वो बुरा दिखे, डी शेप हो जाए, हर कोई ये चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे और पतला हो जाए, हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, तारीफ की जाए। मसला सारा ये है कि हम में से ना मोटिवेशन चली जाती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर हमारा मुंह नहीं रुकता जी, अगर हमारे सामने टेबल पे वो चीज मौजूद है जो हमें अच्छी लगती है तो हमने खा लेनी है। मसला सारा ये है कि या मोटिवेट कैसे अपने क्लाइंट्स को, हमारा काम है ना कैसे, इसीलिए हम कहते हैं आप जिम आए, हमसे मिले, हमसे मीटिंग करें, हमसे बात करें, क्योंकि हम जो है बेसिकली कोच होते हैं और हम आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपने ये खाना है और ये नहीं खाना, आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे चलेंगे, क्योंकि देखिए कि लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, कि आपने ऐसे ही रहना है, ये नहीं है कि 2 महीने के लिए चच्चा की शादी हुई या मामू की शादी हुई तो उसमें जो है आप दुबले हो गए, 3 किलो वजन कम किया, 3 किलो वजन कम किया जी, अब तो मैं सही लग रही हूँ, 6 महीने मैं केक खाऊंगी, बिरयानी खाऊंगी, पिज्जा खाऊंगी, बेसिकली एडिक्शन है। जैसे अब मेरा, मैं जो सी सेक्शन लेडी हूँ and I have lost around 35 kgs, और मैंने 7 to 8 months पर ये वेट लॉस करा, बट कॉन्स्टेंट होके करा, अभी भी जाहिर सी बात है हम लोगों का जो है वो थोड़ा सा एक इसकी सेक्शन की ऐसे बैली का इशू है जो कि एक कॉमन इशू है आजकल, जो सब यही कह रहे होते हैं कि मिस कैसे जाएगा कैसे जाएगा, तो देखिए पेट सबसे आखिर में जाता है, और अगर आपने अपना एब्स कम करने है, अपना ऐप कम करना है, तो आपको मुंह बंद करना पड़ेगा, यानी कि आपको डाइट करनी पड़ेगी, ताला लगाना पड़ेगा। अच्छा देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं यही बताना चाहूंगी आप लोगों के रेफरेंस से, कि हर इंसान की का डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू द बॉडी होता है। अब ये नहीं है कि मैं एक डाइट प्लान आपको दे दूंगी और वही डाइट प्लान इनको दे दूंगी, कॉपी पेस्ट नहीं होता, यानी जो इंटरनेट से उठा लेते हैं कि जी ये चीज हमने खानी है, इतनी आप अपनी सेहत के साथ नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, और अब आप अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, फिर कंप्लेन आती है कि जी हमारा तो वेट नहीं गिर रहा और जो है ना हमें एक नुकसान हो रहा है, या आपको देखिए डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, आपने मिनरल्स विटामिंस का भी ख्याल रखना है, आपने अपने हार्मोन्स को भी चेक करवाना है कि हार्मोन्स ठीक है, आपके बैलेंस है या नहीं है, आपने अपना रूटीन भी देखना है। वेट लॉस इज अ कंप्लीट पैटर्न, बेसिकली आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, आजकल हमारे क्या ट्रेंड है कि हम लोग रात भर जागते हैं, मोबाइल यूज करते हैं और सुबह हम सोते हैं, तो देखें ये चीज है ना, हमारे हार्मोन्स जो बन रहे हैं, जो एक हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, वही जब हमने जो है डिस्ट्रॉर्ट कर दिए, तो फिर हमारा वेट लॉस कैसे होगा। इतने प्यारे तरीके से जस्टिफाई करते हैं ना कराची हाइट्स स्पेशली कि जी रात भर क्यों जाग रहे हैं, यार फजर पड़ के सोएंगे फिर निकल जाती है, इस चक्कर में कितनी मासूमियत से जस्टिफाई कर देते हैं। खैर मुझे बताइए कि आपने जिक्र किया कि सबसे एंड में जो है वो आपका बेली फैट जो है वो लूज होता है, और सबसे बड़ा मसला जो है वो उन लोगों के लिए जो कि चेयर पर बैठ के अपने 9 to 5 कर रहे हैं, या आगे सिस्टम के बैठे हुए हैं, या अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है। तो मैं ये चाहूंगा वेरी क्विकली आपका यहाँ पर आने का जरा सा फायदा उठाएं कि बैठे बैठे जो है वो इस चीज के लिए कोई अगर 3-4 एक्सरसाइजेज ऐसी हो जिसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आ सके, वो ठीक है क्या, बता देते हैं और एक पैटर्न भी बता देते हैं, वो जरा बताइए। पहले डाइट का पैटर्न बताते हैं, आपने 40% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 40% प्रोटीन लेना है और 20% फैट लेना है।
कार्बोहाइड्रेट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे. कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपके शामिल है ब्राउन ब्रेड, जितनी ब्राउन चीज़ है, ब्राउन राइस, ये चीज़ें आप ले सकते हैं. और सब एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, यानी अगर आप इन अबाउल ले लें तो वो भी चलेगा. जी जी, 100 ग्राम आप प्रोटीन लेंगे. प्रोटीन में आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और आप जो है वो बॉयल एग ले सकते हैं. अब बॉयल एग्स और उसके साथ, अब तो मौसम अच्छा हो गया तो ब्लैक कॉफ़ी लें. ब्लैक कॉफ़ी आप दिन भर 2 दफ़ा पी सकते हैं, वो स्टिम्युलेंट है. और वो आपका जो है ना, वो भूख की एक शिकायत होती है ना हमें कि हमें हमारी भूख नहीं ख़त्म हो रही, वो ब्लैक कॉफ़ी से ख़त्म हो जाती है. तो आप उस वो ले सकते हैं. अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बता देती हूँ. एक्सरसाइजेस जो है वो आप अगर बैठे बैठे तो कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती. देखिए, आपका अगर साइड फैट है तो आप साइड फैट जो है वो इस तरीके से कम कर सकते हैं. आपने बॉटल्स ले ली, इवन अगर आप वर्क पे भी हैं तो इट्स 500 ml वाली बॉटल 500 ले लें, हाँ 1 लीटर ले लें, वॉट एवर. और फिर आपने इस तरीके से साइड लगा लिए, 50 तो लगा सकते हैं आराम से, 100 कर लें, फिर उसको ये कर लें, ठीक है. और वॉक अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो नॉर्मली ये तो कर सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी. आप एक ही जगह खड़े हैं, 50 के इसके रैप्स लगा लें, नॉर्मली ये कर लें. बेसिकली करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को. एब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. इस तरीके से ये कर लिया आपने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फ्रंट ऐसे कर लिया आपने. दिस सही, ये 20 रैप्स से स्टार्ट करें और 50 रैप्स तक ले जाएं. जी 20 20 50 50, और फिर इसकी दो 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 साइड लगाए आपने. अच्छा, हल्के बैली के लिए. जी, साइड्स एंड बैली. जी, और अगर आप जंपिंग जैक्स नहीं कर सकती तो आप यूं कर लेंगे. भाई आप ऑफिस में इस वक्त, तो आप क्या करेंगी, आप ये कर लें, आप नॉर्मली ये कर लें, यानी आपका हार्ट रेट थोड़ा सा फास्ट हुआ. नाउ स्टार्ट द वर्कआउट. ओके, हल्का सा वार्म अप के लिए. वार्म अप हो गया, उसके बाद हल्का सा वार्म अप करें. और फिर वार्म अप करने के बाद जो है, वार्म अप तो खैर हम अपने जो है मसल्स को जो है वो एक्टिव कर रहे होते हैं, ताकि हमें इंजरी प्रिवेंशन के लिए बेसिकली. अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप वॉक या रनिंग करो ना तो वो भी आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, आपको ये सेट्स लगाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सही कह रही हैं, वॉक और रनिंग भी जरूरी है ऑफकोर्स, वो आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है. लेकिन कार्डियो भी कब तक आपका वेट लॉस करेगा. यू नीड टू डू मसल ट्रेनिंग. आपने मसल को भी कवर करना है अपने. अगर आप कार्डियो से वाटर वेट आपका फौरन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों में ये इबाम हो जाता है कि यही है, ये 4-5 किलो जो गिर गया ना, ये यही कार्डियो, ये यही कर रहा है. वही बात है ना, वेट लॉस भी है और फैट लॉस भी है. तो बेसिकली अगर आपने फैट लॉस करना है तो मसल कवर तो आपको करना पड़ेगा. आप मसल ट्रेनिंग जरूर करें. और इन अ डे अगर आप बिजी हैं, आपका रूटीन बिजी है, तो आप एक मसल कवर कर लें, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालें. फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ट्राइसेप लगाना है तो मैं सिर्फ ट्राइसेप की ये वाली एक्सरसाइज कर लूंगी, ट्राइसेप एक्सटेंशन, हैमर कर्ल चले कर लें, बाइसेप ट्राइसेप मिला के, और दिस वन ये देखिए. अच्छा, ये तो सब खड़े होकर करने वाले. आप एक बात बताइए, एक जगह खड़े होने वाली. अच्छा, आप दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं. आप इधर मैं सामने से देख रही हूं. ओके, राउंड 1 फाइट. अच्छा, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएगा कि असल में सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जनाब पूरा हफ्ता हमें जिम करने की जरूरत नहीं है, अगर हफ्ते में हमने 3 दिन या 2 दिन भी कर ली तो बहुत है. 4 दिन, 4 दिन जरूरी है ना, और मैक्सिमम ऑफ 45 मिनट्स और 4 दिन करना है. मैक्सिमम 45 मिनट्स एक शुरू स्टार्ट से उतने मिनट्स 20 मिनट से स्टार्ट करें. 20 मिनट से स्टार्ट करें और जब आपका स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आप उसको ग्रेजुअली 45 मिनट्स तक ले जाएंगी. और 4 डेज निकाल लें या 3 डेज निकाल लें अपनी लाइफ से, बट डाइट आपने जो है वो 6 डेज तो करनी है मिनिमम. अच्छा, अब रुजा एक चीज और बताएगा, क्योंकि मेरे खड़े होने का जो मकसद है वो ये है, मैं ये कह रहा हूं, मुझे लगा बहुत सारी खवातीन जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनके ये शोल्डर्स बिल्कुल चौड़े होते हैं, उसके बाद यहाँ से गोश्त निकल रहा होता है, मतलब यहाँ से ये फैट निकल रहा है ना. हाँ, उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, ये करें आप फ्रंट रेस दिस. अच्छा, 1 2 3 4 ऐसे करके आप लगाएंगी 63 सेट्स. अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज 1. अच्छा, जो खवातीन घर में मौजूद है उनके पास वेट्स नहीं है, वो क्या तो बॉटल्स ले सकती है, वो घर में 500 ml पानी की बॉटल तो होगी ना. सही सही, पानी की बॉटल ले ले घर में, 1.5 लीटर वाली. नहीं तो अपने बच्चे उठा ले. अच्छा, बच्चे सही, बच्चों को उठा के तो ऐसे नहीं हो सकता. अच्छा, अब फुफो कर सकती हैं, ऐसे फुफो बच्चे उठा लेते. और डबल चिन का क्या इलाज है? डबल चिन की प्रॉपर एक्सरसाइजेस होती है, हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं कट्स बनवाने के लिए, तो वो ही बता देती हूँ मैं आपको. ऐसे करेंगे आप. अच्छा, और बकायदा आपने च्यू करना है. सही, और ये कितने मिनट्स? एंड साउंड एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 5 मिनट्स तक करना है. आ ई ओ पूरे जो है ना वो जी पूरे आ ई ओ आपके पूरे जो है ना बैठे बैठे करें. ये सारी एक्सरसाइजेज ऐसी जो आप बैठे बैठे भी कर सकती हैं,
अच्छा अब एक चीज और, इस एक्सरसाइज के ऊपर ना, जब मेरे जिम ट्रेनर मुझे ये करवाता था, मैं कहता था, मैंने इसका नाम रखा हुआ था, सॉरी आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो है ना इसका मैं कहता था, अच्छा कुत्ते वाली करनी है ये ना, वो मुझसे ये करवाता रहता था। बहुत अच्छा फेस, बहुत अच्छा उसके जो है वो जॉ लाइन के लिए, अच्छा। अब एक चीज और जो कि मेरा ख्याल है, हम खवातीन की स्पेसिफिकली बात भी साथ में कर रहे हैं, तो अभी आपने बताया सी सेक्शन के बाद बेली का, तो आपने बता दिया कि एक्सरसाइज है, उसके बाद एक चीज और जो उनकी बॉडी लूज हो जाती है, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो कि जाहिर है बच्चों के बाद खवातीन की लूज हो जाती है, मैंने उसकी भी सुना है कि उसको टाइटन करने के लिए भी एक्सरसाइज होती है। बिल्कुल होती है, चेस्ट प्रेस लगाएंगे आप, चेस्ट फ्लाई लगाएंगी लेट के, दो बॉटल्स ले ली आपने, चेस्ट फ्लाई लगाएं सीधे लेट जाए, अच्छा, और चेस्ट फ्लाई लगाएं, सही जबरदस्त। तो ये तो भाई हर मसले का हल मौजूद है, हर मसले का हल हो गया जी, सर्टिफाइड ट्रेनर्स का यही फायदा है भाई, फटा वटा वही नहीं, मतलब पंजाबी लड़ाया आप लोगों ने, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ होगा। खैर ये बताइएगा कि डाइट जो है उसके बारे में आपने बताया कि जी कार्ब्स प्रोटीन और थर्ड 20% फैट, और फैट्स के बारे में जरा बताइए, फैट्स किस तरह के फैट जो है वो आप जिक्र कर रही हैं इसमें, शकरकंदी खा ली जाए वो तो कार्ब है, कार्ब में आ गई वो। फैट जो है बेसिकली योगर्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है फैट, आप योगर्ट जो है वो अच्छा है, आप ले सकते हैं उसको, ग्रीक योगर्ट लेंगी तो ज्यादा अच्छी बात है, महंगा सौदा मत बताइए, मलाई डाके ले ले, नहीं नहीं बाजी थोड़ा कम कर ले प्लीज, बहुत महंगा हो जाएगा, मलाई डाले ना सादी दही में। हाँ हाँ। आप जो यहाँ तक पहुँची हैं कि लोगों को आप दुबला कर रही हैं, फिट बना रही हैं, आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे, मेरे अम्मी हिना साहिबा ने थाउजेंड ऑफ गर्ल्स को जो है ना वो इस काबिल बनाया कि वो आप तक आ सके, पेरेंट्स को जाता है मेरे बाबा स्पेशली, अच्छा वो भी फिटनेस ट्रेनर या नहीं, भाई है रमीज इब्राहिम, हाँ, मेरा हाँ, भाई वो तो है। रमीज इब्राहिम है, हम लोग का कुछ फिटनेस ट्रेनिंग का ही शौक है, एथलीट्स हैं, बॉर्न एथलीट्स हैं वी आर, तो वो पेरेंट्स की तरफ से होता है शायद, ग्रोइंग अब ऐसा हुआ है कि भाई सुबह रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, मतलब बाबा का एक रूल था कि वो क्या करते थे, फजर की नमाज में आके छुट्टियाँ नोचते थे हमारे पैरों पर कि उठो नमाज पढ़ो ना, और फिर अम्मी का ये था कि टाइम पे खाना देना, इस तरह करना, फिर इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे पढ़ना है। निचोड़ क्या है ये हजार लड़कियां जो आपने फिट की हैं, कोई एक ऐसे टिप दीजिए जो कि आपके ख्याल में की है फिटनेस के लिए। बहुत सारी हैं, मैं तो बहुत सारी टिप्स दे सकती हूँ, तो ऐसी बता देना कि 10 सेकंड में हो जाए। डाइट कर लें, डाइट कर लें जबरदस्त, डाइट के लिए पैटर्न सेम रहेगा, 40% जो है वो आपका कार्ब, 40% प्रोटीन और 20% फैट। इट कैन बी चेंज, देखिए हो सकता है आपकी बॉडी में कम फैट हो, कम वो वेरी करेगा, लेकिन एक कलेक्टिवली अगर आप जल्दी सोए, आप लोग हम लोग जो है वो रातों को जागते हैं, जल्दी खाएं, जल्दी सोएं, हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, उससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारी कहानी। ओके, थैंक यू सो मच रिजा, आपने बड़ी जबरदस्त टिप्स दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।